हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट TNP टेक एंड मैं हूँ राकेश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो एंड आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपको डिलीट करना पड़ रहा है आपका अकाउंट, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा आप कैसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, वो भी ईजीली। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है, कोई भी ब्राउज़र वो हो सकता है, तो मैं गूगल क्रोम को रेकमेंड करूँगा। इसके बाद आप अगर इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने मोबाइल के ऐप के द्वारा चलाते हो, तो उस ऐप से आपका अकाउंट लॉग आउट कर लीजिए एंड इस ऐप पे इंस्टाग्राम को आप ओपन कर लीजिए। तो वहाँ से लॉग आउट करके आपको किसी भी ब्राउज़र में आपके अकाउंट को लॉग इन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन है, तो आप यूज़र नेम भी देख सकते हो। तो इस अकाउंट को मैं अब परमानेंटली डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए वीडियो को, मैं दिखाता हूँ कैसे इस अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। गाइज, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप अपने इंस्टाग्राम का जो ऐप है उस ऐप में से आपका अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते, तो आपको ब्राउज़र में ही आपका अकाउंट डिलीट करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अकाउंट पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस सेटिंग में आपको जाना है। तो सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन है हेल्प सेंटर करके, तो इस हेल्प सेंटर को आपको क्लिक करना है। तो एक और न्यू टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा लोकल लैंग्वेज है, तो मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। तो इसके बाद इस हेल्प सेंटर में आपको एक 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा इस कॉर्नर में, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मोटा मोटा अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज योर अकाउंट, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो डिलीट योर अकाउंट, तो इस डिलीट योर अकाउंट पे आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइज, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपको टेम्पररी डिजेबल करने का ऑप्शन, तो ये आप इंस्टाग्राम का जो मोबाइल ऐप है उसमें से भी कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपको परमानेंटली डिलीट करने का ऑप्शन, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। एंड थर्ड जो ऑप्शन है ये आप देख सकते हो, इसमें से आप चेक कर सकते हो आपका एक्टिविटी या फिर आपने जो भी किया था यहाँ पे एंड आपका जो डेटा है वो यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जो सेकेंड ऑप्शन है डिलीट करने का, इसमें आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है जो है डिलीट योर अकाउंट पेज, तो इस लिंक को आपको क्लिक करना है। तो लिंक को क्लिक करते ही एक और पेज आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिलीट योर अकाउंट करके एक पेज हमारे सामने आ चुका है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स में एक बार क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद कोई भी रीज़न आप दे सकते हो, तो आपको कोई भी रीज़न आपको दे देना है, मैं एक रीज़न दे देता हूँ। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आके आपका जो पासवर्ड है, तो पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। तो पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा डिलीट योर अकाउंट, तो इस डिलीट वाले बटन को क्लिक कर लेना है। तो ये पूछ रहा है कि आप क्या श्योर हो कि आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो, तो आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा कुछ देर में, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है एंड आपके जो अकाउंट है उसमें लॉगिंग करने का ट्राई नहीं करना चाहिए, मतलब आप लॉगिंग मत कीजिए अपने अकाउंट को, ठीक है।
तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में से आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा। अगर नया कुछ सीखने को मिला या फिर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट में बोलना मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।